तो गाइस अभी हम लोग वागोड़ा जाने के लिए निकल चुके हैं। तो रुको जरा। तो फिर मेरा नाम है ब्रो, जरा देख रहे हैं मेरी ब्लॉगिंग चैनल धजी 06 राइडर। तो आज हम लोग जाने वाले हैं वागोड़िया कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो फिर हम जब वागोड़िया जाएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा हम वागोड़िया जाने वाले हैं शॉपिंग करने के लिए उत्तरायण की। तो फिर चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग वागोड़िया जाने के लिए निकल चुके हैं। देखिए बाइक पे पूरा रोड ही आता खाली राइड के आगे 13 तारीख का साइड। चलिए अभी वागोड़िया चल रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग थोड़ी देर में वागोड़िया सिटी तक पहुँचने वाले हैं। तो अभी हम वागोड़िया सिटी के नज़दीक है जहाँ पे ये मारुतन गाँव पड़ता है वहाँ पे अभी हमें थोड़ी देर में पहुँच जाएगी। आप इस चैनल पर पहली बार है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जाके लाल वाला बटन दबा दीजिए। तो देखिए इस तरफ है बुल्का बोस और इस तरफ महाविहार। तो अभी हम लोग वागोड़िया पहुँच चुके हैं सिटी के अंदर, और अभी हम लोग सिटी के अंदर अभी नहीं पहुँचे, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे गाइस। तो चलिए अभी सिटी के अंदर चलते हैं। बाद में आपको शॉपिंग करने के बाद जब बाहर निकलेंगे तब मैं आपको मिलूंगा। चलिए अभी तो शॉपिंग कर लेते हैं हम जाके, बाद में आपको वीडियो सुनता हूँ उनका बाहर आके, क्योंकि अभी जरा रहता है। सो गाइस तो अभी हम लोग बाजार में जाके आ चुके थे, और अभी ये रहे देखो के भी भाई, अभी हम इधर वेट कर रहे हैं और ये हम पतंग लेके आ चुके हैं। हम अभी पतंग लेके आ चुके हैं, ललित भाई भी हमारे को मिल चुके हैं।
तब हम ललित भाई को लेके अब घर की तरफ निकल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। हम लोग बाजार से बाहर आ चुके हैं और अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं। ललित भाई आ चुके हैं। सवारी अभी नियमों के विरुद्ध अभी हम चल रहे हैं गाइस। नहीं मोबाइल है तो अभी हम घर जा रहे हैं। आपको मैं घर जा रहे तो चलिए आपको दिखाई देते हैं हम किस रास्ते से अभी जा रहे हैं। अभी हम जो रास्ते से आए उसी रास्ते से जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज अभी हम लोग घर पे बैठे हैं और अभी हम लोग जाने वाले हैं छत पे। और हमने सुबह हम पतंग चका के आ चुके थे। अभी हम लोग घर में बैठे। देखिए अभी ये हमारे गांव वाला घर है तो हम इधर अभी बैठे हैं। अभी हम थोड़ी देर छत पे जाएंगे, बाद में हम वापस आ जाएंगे। अभी हम 4 बजे के बाद वापस जाने वाले हैं छत पे। तो 4 बजे जाएंगे और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। पतंग चखा पाने वाला माहौल होगा, यानी कि धूप थोड़ी कम होगी तो हम चखाएंगे, वरना वापस आ जाएंगे क्योंकि हमारे धूप से थोड़ा वो आँखों में तकलीफ है इसीलिए। तो फिर अभी 4 बजे चलते हैं। मैं आपको भी दिखा दूंगा हम 4 बजे चलेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। 4 बजे चलेंगे तो हमें आपको ये ब्लॉग कल वाला ही है क्योंकि हम कल बाजार से आ चुके थे जब पतंग लेके, तो हमने बाद में ब्लॉग शूट नहीं किया था बिल्कुल भी। तो अभी हम उसी ब्लॉग को अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। तो ये और 13 तारीख वाला और 14 तारीख वाला दोनों ब्लॉग आपको एक ही ब्लॉग में दिखेंगे। तो फिर चलिए इसी ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। अभी तो कल वाले ब्लॉग को यही एंड करते हैं और चलिए आशा रखते हैं आपकी भी उत्तरायण अच्छी गई होगी। मकर संक्रांति मेरी तो बहुत बढ़िया गई है। मैं छत पे मोबाइल लेकर नहीं गया था क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट चली गई थी उस दिन। उत्तरायण के दिन तो मेरा मोबाइल में चार्जिंग ही नहीं था, 0% हो गया था, स्विच ऑफ हो गया था, तो मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाया। पर अभी हम इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, नए ब्लॉग की स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। चलिए सो व्हाट्सअप गाइस। और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से जाके नीचे जाके रेड वाला बटन दबा दीजिए। तो फिर चलिए चलते हैं।